हम अपने घर वालों को, परिवार वालों को इसलिए नहीं छोड़ते, यदि हम खाना 2 या 3 दिन नहीं खाते हैं तो बाहर वाले को कोई इससे चिंता नहीं होती, परेशानी नहीं होती, दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होता, लेकिन घर वाले 2 घंटे में ही परेशान हो जाते हैं। साथियों, जब हम कहते हैं कि जिंदा दिली जरूरी है, तब हम अपने आप से पूछते हैं जिंदगी क्या है? क्या जीना गेम है? क्या जीना स्ट्रगल है? क्या जीना सर्वाइवल है? क्या जीते रहना आवश्यक है? अनेक ऐसे प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आते रहते हैं और वह जीवित है इसलिए जी रहा है, अर्थात उसके अंदर सांस है और सांस तो सभी जीव जंतुओं में, पेड़ पक्षियों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में होती, और यहां तक कि एक मिट्टी के कण का भी जीवन होता है। और पहले दिन वो मिट्टी का कण होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा 2 दिन में ठोस होता है, 3 दिन में वही जमने लगता है और एक युग के बाद वह पत्थर और पाषाण हो जाता है और एक समय के बाद उसकी भी उपयोगिता ग्रेनाइट के पत्थर के रूप में भी जानी जाती है और वह हीरा और डायमंड भी बन जाता है। अर्थात यदि अपने कर्तव्य में, अपने स्थान पर, अपने तरीके से, स्थिर भाव से कोई भी लगा रहता है या उसे प्रकृति उसी दिशा में रहने देती है, तो मान लीजिए कि अनुपयोगी भी उपयोगी हो जाता है। यद्यपि कणों का अस्तित्व भी होता है, ऐसा नहीं है कि कण कोई अपना अर्थ नहीं रखता, बट चलते रहना, कुछ करते रहना जरूरी है। बेशक जीवन में असफलताएं, विफलताएं, हार का अनेक बार सामना क्यों ना करना पड़े। भट्टे की जो ईंटें नरम, निर्बल, कमजोर, देखने में हरी पीली खराब सी दिखाई देती हैं, उन्हें ही मकान बनाने में दीवों में लगाया जाता है। इसलिए असफलताएं ही सफलताओं का राज होती हैं। जैसा कि आपने एडिसन को पढ़ा होगा, अब 1212 असफलताओं से 1200 आविष्कार हुए। जुनून, जोश, जिंदा दिली, कुछ करने की हुड़क, बेशक उसमें लड़ाई क्यों ना हो जाए, झगड़ा क्यों ना हो जाए, प्रतिरोध क्यों ना हो जाए, प्रतिशोध क्यों ना हो जाए, प्रतिबंध और बंधन क्यों ना आ जाए, जो लोग उसके बावजूद भी अड़े रहते हैं, भिड़े रहते हैं, टूटने की परवाह नहीं करते, छूटने की चिंता नहीं करते, अर्थात आत्महत्या या मृत्यु से नहीं डरते, वही लोग प्रेरणा स्रोत होते हैं।
बस चंचलता, शैतानी की ओर जब बढ़ती है तो उसे भी हठ धर्मिता को भी हठी शैतान को भी इंसान महान विद्वान बनाया जा सकता है संगति के माध्यम से, अच्छे लोगों के साथ रहने के माध्यम से। योग क्या है? जोड़ना ही तो योग है। चाहे वो मन को आत्मा से जोड़ा जाए, चेतना से जोड़ा जाए, जागृति से जोड़ा जाए, और बुद्धि को विवेक से मोड़ा जाए। जब क्रिया अर्थात करते रहना ना चाहते हुए भी अनिवार्य रूप से होता रहता है, तो फिर चाहत के साथ किसी भी लक्ष्य को क्यों ना प्राप्त किया जाए। एक बार एक जिज्ञासु युवा ने कहा कि मुझे किन्हीं भी बातों में मेरे माता पिता अक्सर मेरे इतिहास को याद करा के, नेगेटिव बातों को याद करा के मुझे सुधारने की कोशिश करते हैं, क्या ये ठीक है? क्या उस पर मुझे गुस्सा आना चाहिए? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? तो मैं उस विद्यार्थी, उस छात्र, उस युवा से कह रहा था कि आप अपने आप से पूछो कि अभी तक आपने किया ही क्या है, या क्या किया है ही भी हटा दीजिए, क्या किया है जिसके कारण से तुम्हें कुछ पूछा नहीं जाना चाहिए, कहा नहीं जाना चाहिए, और माता पिता को आपसे जिनसे उम्मीदें हैं और अपेक्षाएं आशाएं हैं, या यूं कहिए आपकी चिंता है कि आप पुनः भटक ना जाए, उनके द्वारा किसी की भी कही गई बात को तो आप गलत ले लेते हैं क्योंकि वो अपने हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि जैसे लोहे से लोहा टकराता है तो आवाज ज्यादा होती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि लोहे को सीमेंट से, पत्थर से, रोड़ी से पाट देना चाहिए। कारण कि यदि आपको ऐसा ही बुरा भला लगता है जो बुरा भला नहीं है, तो आप अगर सैनिक होना चाहते हैं, आप अगर फ्रंट पर जाना चाहते हैं, जब कोई आक्रांता, कोई दुश्मन आपकी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए आपके क्षेत्र में घुसेगा और आप पर गोलियां बरसाएगा, तो आप में उसे झेलने की क्या क्षमता होगी? आंसर कम्स नो, क्योंकि आप तो ऐसी जगह, ऐसे तरीके से पले हैं जहां आपके परिवार जनों ने आपको हमेशा एसी में पाला है, गर्म हवा के थपेड़े क्या होते हैं वो पता ही नहीं है। इसलिए जीवन में उतार और चढ़ाव, अच्छा और बुरा होने पर भी हम अपने घर वालों को, परिवार वालों को इसलिए नहीं छोड़ते कि यदि हम खाना 2 या 3 दिन नहीं खाते तो बाहर वाले को कोई इससे चिंता नहीं होती, परेशानी नहीं होती, दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होता, लेकिन घर वाले 2 घंटे में ही परेशान हो जाते हैं कि हमने खाना क्यों नहीं खाया। हमें उनका गुस्सा तो याद रहता है, लेकिन हम उनकी मिन्नतों को भूल जाते हैं जो उन्होंने हमें बड़ा करने में हमारे विरोधों के बावजूद हमारी रक्षा और सुरक्षा की।
इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम चलते रहना है, और इसी का नाम धैर्य, हिम्मत, साहस, जोश, उत्साह है। मेरा मन क्या करता वही ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक की कोई परिभाषा नहीं है, उचित की कोई परिभाषा नहीं है। ये सब किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी परिपेक्ष में सत्य और असत्य होते, लाभकर और हानिकर होते, झूठ और सच होते, अच्छे और बुरे होते। वही चीज एक व्यक्ति के लिए अच्छी है तो दूसरे के लिए बुरी होती है। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव आने देना चाहिए, डांट से घबराना नहीं चाहिए, बुराई से झेपना नहीं चाहिए, और मुझे दूसरों के सामने क्या कह दिया इसे बेइज्जती जब महसूस हम नहीं करते, तब हम शांति पूर्वक, संतोष पूर्वक, संतुष्टि पूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इसी का नाम चलते रहना जिंदगी है। थैंक यू।